हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 8 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, पार्ट बी है और पार्ट बी का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब, मैं स्टार्ट कर देता हूँ बिना टाइम गवाए। यूनिट 8 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्या आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं? तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर हम नहीं जानते हैं, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब है, बस क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के बढ़िया सा धूल में लट मार देना है। है भाई, यही तो होगा ना। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो यार एमसीक्यू कैसे कर पाओगे, जरा बताओ मुझे, है नहीं? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? पता है आपको, तीन मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। क्या तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल हैं? तीनों के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं? तीनों के तीनों मूल कण हैं? ये सब एक ही नाम है, जल्दी बताओ। पहले मानते थे, कभी किसी ज़माने में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो उस समय मानते थे कि इलेक्ट्रॉन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन बाद में पता चला कि यार बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एलिमेंट्री पार्टिकल है और बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि वो भी दूसरे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते वो होते हैं हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब क्वार्क्स के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्वार्क्स क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। यार पढ़ो यार, नॉलेज करो, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने का। है भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लूँ बिना टाइम गवाए यार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? अच्छा, मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? न्यूट्रिनो भी मूल कण है भैया, न्यूट्रिनो भी मूल कण है, मैसोन भी मूल कण है, पॉजिट्रॉन भी मूल कण है, लेकिन अल्फा कण फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसका मास होता है, यानी कि अल्फा कण का मास होता है, और भी बहुत कई आधार पर आप बता सकते हो कि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, चलिए साहब मैं इस पर राइट ऑप्शन लगाऊं, डी, एलिमेंट्री पार्टिकल जो है नहीं है। कौन सा नहीं है? अल्फा कण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण है? अब लो मूल कण आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण है बताइए जरा। मूल मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, निम्न में से कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है? सब मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितना पेपर फंसेगा वो इनमें से फंसेगा। थ्योरी तो मैं अपने पास से बता रहा हूँ, थ्योरी मैं अपने पास से बता रहा हूँ, वरना तो मैं इन्हें क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटा कर बढ़ जाऊँ, लेकिन थोड़ा बताना पड़ रहा आप लोगों को, समझ जाओगे यार। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? तो अल्फा कण तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु तो ऑलरेडी दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। दो हाइड्रोजन एटम में यार प्रोटोन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, होते नहीं होते हैं भैया? तो सिंपल सी बात है, ये तो होगा नहीं किसी कीमत पे, ये भी नहीं होगा। अल्फा कण तो हमारा फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो तो है नहीं। तो बचा मेरे पास एक बीटा कण। बीटा कण क्या होता है? एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। कण प्रतिकण युग में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया युग में है। कण प्रतिकण युग में आपके दिमाग में देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन आता है। आप पहले ज़रा ऑप्शन चुन लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। घबराओ मत, डरो मत, जल्दी बताओ, देखता हूँ यार कितना भरोसा है, बताओ ज़रा। तो कण प्रतिकण युग में चुन लिया, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। अब आपके माइंड में, अधिकांश बच्चों के दिमाग में एक ऑप्शन फंस रहा होगा, वो फंस रहा होगा ये वाला, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो सर ये क्या है मेरे पास, चिप्पा चिप्पी, यानी कि युग में है, नहीं होता। ये है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। ये माइनस के वन बीटा जीरो होता है और ये जो है मेरे पास प्लस के वन बीटा जीरो होता है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो ऑप्शन पे टिक लगा लो, टिक लगाए जाओ बी नंबर पे। ठीक है, ब्राम द्रव्यमान शून्य नहीं होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। ब्राम द्रव्यमान शून्य नहीं होता। देखो न्यूट्रॉनो है, मासलेस पार्टिकल है, फोटोन है, मासलेस पार्टिकल है, ग्रेविटोन है, मासलेस पार्टिकल है। इनके सबके ब्राम द्रव्यमान कितने होते हैं? जीरो होते हैं। पर बेटा ध्यान देना, फोटोन जो होता है ना, फोटोन जो मेरे पास फोटोन है, वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। फोटोन का नाम सुना है आपने, खाया कभी है? अबे यार ये कुरकुरे का पैकेट नहीं है, खाते हो आप लोग इसे भी, धूप में खड़े हो जाओ, जिंदे फोटोन मिलेंगे, पाँच मिनट के बाद पता चलेगा बॉडी बिल्कुल गर्म पसीने में नहा जाओगे। वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है ना प्रकाश की, वो यही तो होती है, कहाँ यह है बेचारा हमारा, फोटोन में होती है। ई बराबर एच न्यू, हम अच्छी तरह से पढ़ा हुआ आप लोगों ने यार। तो ब्राम द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, किसका नहीं होता है? न्यूट्रॉन का नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होता। चलिए साहब मैं टिक लगा दूं,
क्या है न्यूटॉन का। तो ये दिमाग में फंसा लो इन क्वेश्चन को, ये 28-25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन अपने माइंड में फंस लो कि सर यही क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ठीक है। चलिए सर मैं स्टार्ट कर देता हूँ आगे। एक पॉइंट और है, न्यूट्रिनों पर आवेश होता है। अरे यार न्यूट्रिनों पर आवेश होता है, क्या लग रहा है आपको न्यूट्रिनों पर कितना आवेश होता है? चार्ज लेस पार्टिकल है भैया, न्यूट्रिनो चार्ज लेस पार्टिकल है। ये क्वालिटी है न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स बट इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रिनो पर आवेश होता है प्लस 1.6×10⁻¹ को लाऊं ये तो प्रोटोन पर होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पर होता है, ये वाला अल्फा कण पर होता है। तो भैया न्यूट्रॉनों पर कितना चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा हाई प्रोन है, हाई प्रोन। एक चीज़ याद कर लो, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। एक चीज़ याद कर लो, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम याद करवा रहा हूँ तुम्हें, याद कर लो। आपने कभी सुना होगा लाल मिर्च खाई होगी आपने, लाल मिर्च, ठीक है, लाल हरी मिर्च, अरे दोनों मिला दो, लाल हरी मिर्च, ठीक है, लाल हरी मिर्च, ओके सर, लाल हरी मिर्च, ठीक है। चलो साहब बनाई है ओके। इससे कुछ थोड़ा सा मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, अब देखना मैं याद करवाऊंगा तुम्हें। लाल हरी मिर्च बनाई है, लार्फोल लेप्टोन, ध्यान देना लेप्टोन भी एक क्या है पार्टिकल होता है, कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, लाल हरी हेड्रोन, अभी नाम आगा आगे हेड्रोन, हेड्रोन का नाम आगा आपके, मिर्च मैसोन, ध्यान देना बेटे मैसोन, बनाई बेरियोन, ठीक है, एन न्यूक्लियोन्स, और तुम्हारे पास ए मेरे पास क्या बेटा, ये ए जो है मेरे पास, छोड़ो ए मत मिलाओ, एच फोर होता हाइप्रोन, ठीक है। अब कितने नाम मैंने बता दिए आपको, आपको मैंने कितने नाम बता दिए। सबसे पहला मैंने पार्टिकल बताया तुम्हें लाल LAL, तो लाल मतलब लेप्टोन, ठीक है, हेड्रोन मैसोन बेरियोन न्यूक्लियोन्स और तुम्हारे पास हाइप्रोन, ठीक है। ये सारे के सारे पार्टिकल मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कर लोगे ना कवर इसको, याद करो जो मैंने बोला वो लिख लो, शॉर्ट फॉर्म याद कर लियो, लाल हरी मिर्च। सारे के सारे कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सारे के सारे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं चीज के बारे में। तो हाइप्रोन है, लेप्टोन, वेरियोन, मैसोन या मेरे पास क्या होता है बोसोन। हाइप्रोन क्या होता है? हाइप्रोन को याद कर लो लेप्टोन, ठीक है, लेप्टोन, तो लेप्टन होता है हाइप्रोन, नहीं होता मैशोन, मैसोन नहीं होता है, बोसोन, बोसोन भी नहीं होता है, बोसोन तो अलग रहा है यार, तो बोसोन यानी कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो सब बोसोन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब बोसोन में आते हैं। चलो बाद में बताऊँगा इसके बारे में। तो बेरियोन जो है ना, बेरियोन में क्या था? हाइप्रोन आता, इसको याद कर लो ठीक से, वेरियोन में हाइप्रोन आता, और वेरियोन को हम फर्मियोन भी कहते हैं, वेरियोन को हम फर्मियोन भी कहते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। बेरियोन नहीं है, बेरियोन कौन सा नहीं है? प्रोटोन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन और फोटोन। तो बेटा फोटोन जो है ना, फोटोन जो है वो क्या है? वेरियोन नहीं होता, फोटोन वेरियोन नहीं होता। आप ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ो, खाली इन पर टिक लगाए जाओ, बढ़िया करेगा, क्योंकि दिमाग घूम जाता है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, या तो डिटेल से थ्योरी पढ़ाई जाए तो मजा आएगा पढ़ने में। फर्मियोन है, फर्मियोन को हम वेरियोन भी कहते हैं, तो जो कहानी फर्मियोन की है वही कहानी हमारी वेरियोन की है। तो फर्मियोन के मैसोन, पाई मैसोन, ठीक है, फोटोन वे ग्रेविटोन, प्रोटोन वे न्यूट्रॉन। तो भैया फर्मियोन कभी भी प्रोटोन वे न्यूट्रॉन नहीं होते, ये न्यूक्लियोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे? न्यूक्लियोन होते हैं, ये न्यूक्लियोन होते हैं, ये जो होते हैं न्यूक्लियोन होते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, पर फर्मियोन नहीं होते। बाकी जितने भी फर्मियोन, के मैसोन, पाई मैसोन, फोटोन वे ग्रेविटोन, सब तुम्हारे पास क्या होते हैं? फर्मियोन होते हैं, ठीक है। अरे बड़ी लंबी कथाएँ आती हैं इनकी यार, पर जो ये आपके मॉडल में आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इन्हें क्वेश्चन को अच्छी तरह से रेडी करो। चलिए साहब 8 क्वेश्चन हो गए, अब मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साहब 8 क्वेश्चन हो गए, अब नवा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नवे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फोटोन का स्पिन होता है। बहुत बढ़िया, स्पिन तो आपका पता है ना, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, उसी तरह किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिससे स्पिन कहते हैं। ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, जिसके लिए मान आते हैं +1/2 और -1/2। पढ़ा है आपने, एस के दो मान होते हैं, +1/2 और -1/2। अब फोटोन का स्पिन होता है भैया, फोटोन का स्पिन होता है, जल्दी बताओ मेरे दोस्त फोटोन का स्पिन कितना होता है? अब ये पार्टिकल भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो जिनका स्पिन, ठीक है,
इंटीग्रल होता है यानी कि पूर्णांक के रूप में होता है, जीरो यानी कि एक दो तीन चार पाँच की फॉर्म में होता है, और एक भिन्नात्मक होता है जैसे 1/2 - 3/2 - 4/3 कुछ इस तरह से भी होता है। तो दो टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये थ्योरी में पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो फोटोन का स्पिन होता है कितना होता है बेटे, एक होता है। लाइन पे ध्यान देना, फोटोन का स्पिन हमेशा कितना होता है, एक होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हमेशा 1/2 होता है। ये तो याद कर लो, सोच लो, समझ लो कि यार इसका स्पिन इतना होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है कितना, 1/2, और फोटोन का स्पिन कितना होता है मेरे पास, एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पिन युग्म है। क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। यहाँ जो क्वेश्चन आता है मेरे पास कुछ ऐसा आता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्पिन है, ऐसे पूछता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का स्पिन है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्पिन कितना होता है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्पिन कितना होता है, तो एक होता है। लाइन पे ध्यान देना, एक होता है। याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन युग्म का स्पिन कितना होता है बेटा, एक होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। बोसोन का स्पिन होता है, बोसोन का स्पिन कितना होता है भैया, बोसोन का स्पिन भी मेरे पास कितना होता है, जीरो या एक होता है। ठीक है, तो ये पेपर में एक या दो क्वेश्चन स्पिन से फंसने वाले हैं आपके, स्पिन से एक या दो क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, कोई रोक नहीं कर सकता इन क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, फोटोन का स्पिन कितना होता है साहब, एक होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है साहब, हाफ होता है। बोसोन का स्पिन कितना होता है साहब, जीरो से एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेरी ओन है। अब मेसोन भी भैया तीन प्रकार का होता है, एक तो के मेसोन होता है, एक पाई मेसोन, ठीक है, पाई मेसोन, के मेसोन भी होता है, और एक इंटा मेसोन भी होता है। अब यार कितने कणों के नाम बताऊं आपको, बहुत सारे भरा पड़ा, बस ये देख लो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन देख लो, ये वाला छोड़ो, मारो थ्योरी बोली। तो बेरियोन है, पाई मेसोन, के मेसोन, लैम्डा मेसोन, म्यू मेसोन। तो बेरियोन जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, के मेसोन होता है। बेरियोन क्या है बेटा, के मेसोन होता है। ऐसा होता है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका मास जीरो होता है, मासलेस पार्टिकल होते हैं। कुछ का मास थोड़ा हल्का होता है, कुछ का मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और उन्हीं में हम बेरियोन में, लेप्टोन में डिवाइड कर देते हैं, मेसोन में, बेरियोन में डिवाइड करते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये थ्योरी में पढ़ोगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए साहब देखते हैं। तो के मेसोन का दूसरा नाम होता है, के मेसोन का दूसरा नाम होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा बता देगा इसके बारे में कि के मेसोन का दूसरा नाम, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछा, पढ़ के हम हार्ट फट जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, बिल्कुल बच्चों वाले, नन्ने मुन्ने बालकों वाले क्वेश्चन। जैसे ही आएगा के मेसोन का दूसरा नाम होता है, अरे साहब कोई भी बता देगा, आप देखो काओन, बोसोन, फर्मियोन, मेसोन। लेकिन जिसने ना पढ़ा है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताओगे। ऐसे भैया एक बार एक रील देखी थी मैंने इंस्टा पे, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने एक एरोप्लेन बनाया था। अब उस एरोप्लेन में सारे के सारे टीचर लोग बैठ गए कि भाई ये साहब उड़ाओ, तो पता चला थोड़ी देर बाद कि भाई ये एरोप्लेन उड़ने के बाद कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सब के सब टीचर लोग उतर गए, लेकिन प्रिंसिपल उसी एरोप्लेन में बैठे रहे। फिर बाद में उनसे पूछा गया कि यार सब के सब टीचर लोग उतर गए, लेकिन आप क्यों नहीं उतरे, तो प्रिंसिपल बोले कि मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, ये उड़ेगा ही नहीं, समझ लो चीज को। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है, पूरे का पूरा भरोसा क्या, बतेगा ही नहीं। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, काओन, क्या होगा, काओन। तो के मेसोन का दूसरा नाम होता है, क्या होता है, काओन होता है। ठीक है, ओके, चलिए साहब आगे देखते हैं। म्यू मेसोन का दूसरा नाम होता है, ये भी बिल्कुल सिंपल, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है। म्यू मेसोन का दूसरा नाम होता है, म्यू ओन होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो यार पेपर में फंसते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी कि मेसोन का स्पिन हो सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेसोन का स्पिन हो सकता है, कितना हो सकता है, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, उपयुक्त सभी, हाँ हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, किसका, मेसोन का स्पिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेरियोन संख्या संरक्षित है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, बिल्कुल हटके, इन पार्टिकल से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। देखो इनको आपने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, इस चैप्टर को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सेकंड इसका पार्ट्स पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, लास्ट में जो पार्ट होता है वो एंगुलर मोमेंटम, बीच में थ्योरी आ जाती है इसकी। चलिए आगे देखते हैं चीज को और। तो बेरियोन संख्या संरक्षित है, बेरियोन संख्या संरक्षित है, क्या है मेरे पास, ये वाली पाई स्टार प्लस एन चेंज टू लैम्डा जीरो प्लस के, ये लैम्डा होता है, इस लैम्डा को कभी कभी हम ऐसे भी देते हैं लैम्डा जीरो प्लस के प्लस। ठीक है, तो बेरियोन संख्या संरक्षित है पाई स्टार प्लस एन चेंज टू, ठीक है, लैम्डा जीरो प्लस के प्लस में। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लो टिक बढ़िया करके। तो 17 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो गए हैं,
अब इन क्वेश्चन को ना आप स्क्रीनशॉट लेना और लिख लिख के ठीक है समझने की कोशिश करना इन क्वेश्चन को। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं नए क्वेश्चन। चलिए साहब 17 क्वेश्चन हो गए, अब 18वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास 18वां क्वेश्चन है वो है बेरियोन संख्या b बराबर प्लस वन होती है, तो b बराबर प्लस वन किसकी होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। बेरियोन संख्या b बराबर प्लस वन होती है, यार दिमाग लगाओ किसकी होती है। चलो मुझे तो नहीं पता, आप बताओ किसकी होनी चाहिए कि बेरियोन संख्या b बराबर प्लस वन होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की होती है या एंटी न्यूट्रॉन की होती है। अब आपका माइंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन फंस रहा होगा, वो फंस रहा होगा एंटी न्यूट्रॉन, जबकि नहीं होती है भैया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की होती है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ओके ओके। मेसोन तथा बेरियोन को उभयनिष्ठ रूप से कहते हैं, मेसोन तथा बेरियोन को उभयनिष्ठ रूप से कहते हैं। तो अगर मैं हैड्रॉन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेसोन में और बेरियोन में, ठीक है ठीक है, तो जो मेरे पास हैड्रॉन है एक राइट ऑप्शन है। मेसोन तथा बेरियोन को उभयनिष्ठ रूप से कहते हैं हैड्रॉन, क्या बोलते हैं बेटा, हैड्रॉन, कितना शानदार नाम है हैड्रॉन। ठीक है, हैड्रॉन है क्या है, हैड्रॉन हैड्रॉन है मेसोन तथा बेरियोन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन और उपर्युक्त सभी। अब इस ऑप्शन के भोलेपन पे मत जाना, क्योंकि अधिकांश ऑप्शन में ऊपर से भी राइट होता है, लेकिन इस बार यहाँ ये राइट नहीं है। तो जब देखो क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़ो, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है कि मेसोन तथा बेरियोन को उभयनिष्ठ रूप से कहते हैं, हैड्रॉन कहते हैं, इसका मतलब है हैड्रॉन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रकार हो सकता है मेसोन और दूसरा प्रकार हमारा हो सकता है कौन सा वाला, बेरियोन। तो मतलब मेसोन तथा बेरियोन हमारा क्या हो गया, हैड्रॉन हो गया। चलिए साहब आगे देखते हैं, ओके 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 ओके। स्थाई कण है, बताओ जरा स्थाई कण है। अरे स्थाई कण एक ही है, स्थाई कण तो भैया एक ही है, बहुत सारे स्थाई कण हैं, लेकिन इस ऑप्शन में एक ही है। कौन सा, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या बीटा कण है, जल्दी बताओ बेटा, दिमाग लगा के एक बार। तो स्थाई कण जो होता है ना मेरे पास, प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, एक स्थाई कण होता है। चलिए साहब आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। लैक्टोन, कितना शानदार नाम आ गया फिर से, लैक्टोन की बेरियोन संख्या होती है, प्लस वन होती है, माइनस वन होती है, जीरो होती है, उपर्युक्त सभी होती है। तो लैक्टोन की जो बेरियोन संख्या है वो उपर्युक्त सभी, यानी कि प्लस वन भी होती है, जीरो भी होती है और माइनस वन भी होती है। आप राइट ऑप्शन चुनो डी नंबर, कि लैक्टोन की बेरियोन संख्या प्लस वन माइनस वन जीरो होती है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल इसके रह गए हैं भैया, तो न्यूमेरिकल अपने मॉडल से देख लेना, जो आपको सेलेक्ट लगे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वो न्यूमेरिकल कर लो सोल्व। ठीक है, और वरना तो भैया ये 22 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस यूनिट के, बहुत ही मोस्ट हैं, लगभग लगभग पेपर आपका इन्हीं से फंसेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, और बाकी आपका जो मॉडल दे रखा है या जो भी बुक आपके पास है एमसीक्यू वाइज की, वहाँ से आप देख लो। लेकिन एक बार एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ना, और उसी से लगभग लगभग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल के आएंगे, समझ लो चीज़ को। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।